नमस्कार दोस्तों, मैं विजय गुप्ता आज विंध्य क्षेत्र के सुपरस्टार अविनाश तिवारी के साथ। और खैर, इनके बारे में आप क्या बताएं, आप तो सब जानते हैं। और बस यही है कि कलाकार के साथ बैठने के बाद एक अपने अंदर का भी कला जागृत हो जाता है। एक कलाकार है भोजपुर के, बहुत ही प्रसिद्ध गायक सुधीर पांडे जी और अविनाश तिवारी जी, जो यूट्यूब में और फिल्म लघु फिल्म बनाने में अभी नई फिल्में भी लेके आएंगे, पूरी 3 घंटे की फिल्म लेके आएंगे विंध्य क्षेत्र के दर्शकों के लिए। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत मेरा भी इंटरेस्ट है गाने का, तो आपकी फरमाइश के हिसाब से मैं कोई गाना गाना चाहूँगा कि आप बनाइए कोई, अगर आपको कोई गाना पसंद है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं निभा सकूँ। गाने सिंगरों में मुझे सोनू निगम, उदित नारायण और कुमार सानू पसंद है। बहुत अच्छे, क्योंकि और अगर पीछे जाए तो रफी साहब को मैं बहुत मानता था और उनके गाने अभी मैं सुनता हूँ। फिर इसके थोड़ा सा जब दौर आगे आया तो कुमार सानू, उदित नारायण, सोनू निगम सिर्फ 3 सिंगर हमारे ऐसे थे जो इनके गाने आज भी सुनते हैं तो अच्छा लगता है। और आजकल ऐसे सिंगर ऐसे गाने आ गए हैं कि गाना बजता है तो याद रहता है क्या उन्होंने गाया, जैसे गाना खत्म होता है तो गाना भूल जाता है। तो आप हमको सुना दीजिए कुमार सानू जी के एक गाना है, चांद से पर्दा की। क्या बात है, चांद से पर्दा की बहुत ही अच्छा गाना है। और इसका म्यूजिक मेरे ख्याल से आदेश श्रीवास्तव ने दिया है और सैफ अली खान के ऊपर फिल्माया गया ये गाना है। बिल्कुल। और दादा कुमार सानू की आवाज है जिनको मेलोडी किंग बोलते हैं, जिनकी कंठ में जादू है और सही में मेलोडी है। तो अविनाश भैया की फरमाइश में ये गाना है, चांद से पर्दा कीजिए। चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर। है मेरे अन्नवा, क्या बात है, है मेरे हुजूर, है मेरे अन्नवा, है मेरे से पर्दा कीजिए, जुल्फों से उड़ी खुशबू बहार की, होंठों पे खिली कलियां बहार की, पर्दा कीजिए। फूल से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर। है मेरे अन्नवा, है मेरे हुजूर, लगती हो किसी शायर का ख्याल, लगती हो किसी शायर का ख्याल, ऐसी सादगी खुद में बेमिसाल, ऐसी सादगी खुद में बेमिसाल, खुद से पर्दा खुद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर। है मेरे अन्नवा, है मेरे हुजूर, हंस दे आप अगर बन जाए दास्तां, हंस दे आप अगर बन जाए दास्तां, हल्के जो झुकी झुक जाए आसमां, हल्के जो झुकी झुक जाए आसमां,
जिंदा कीजिए। क्या बात है, जय हो। रब से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर। है मेरे अन्नवाब, है मेरे हुजूर, है मेरे अन्नवाब, है मेरे हुजूर। एक क्या बात है, बहुत समर्पित गाना। आपने कहा कि आपके अंदर एक कलाकार जागा, आपके अंदर से कलाकार नहीं जागा, कुमार सानू जागे हैं और उनके साथ जितने स्टूडियो में इंस्ट्रूमेंटल बैठे थे वो सब जागे, सब जाग गए। क्योंकि हम अरे भाई कलाकार के बगल में बैठ के सारा जगह है, कलाकार के बैठ के बगल में बैठने से क्या होता है, ऐसी ऊर्जा आती है, ऐसी तरंग आती है कि आदमी के मतलब रोम रोम से आवाज निकलती है। अभी अभी पांडे जी ने इतना बेहतरीन भोजपुरी गाना गाया, आपने इतना बेहतरीन बघेली गाना गाया और लास्ट में एक बघेली गाना आप और गा दीजिए एक छोटा सा, क्योंकि बघेलखंड का मैं बहुत बड़ा, बघेली भाषा का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। हद से ज्यादा, मतलब मेरे रग रग में बघेली भाषा बसती है। अपना कहना तो चलिए बघेली, हाँ ये तो अपना बघेली गई, और मतलब जैसे हमारा एकदम रक्त संचार तेज हो जाए, मजा आ जाए एकदम बघेली में। एकदम जब आदमी कहो कमाए जाते हैं, अपन मेरिया लड़का बाप माता सब छाड़ के जाते हैं, तो आदमी उससे कहते हैं आयन परदेश हमके, आयन परदेश हमके रुपया कमाबे, घरे गांव के सुधी हम ही सतावे। सही बात है, बाप महतारी के सुधी, बाप महतारी के सुधी रही रही के आवे, मेहरिया के सुधी हमका बहुत जोर आवे, मेहरिया के सुधी हमका बहुत जोर आवे। क्या बात है, उठते सकारे गोड़े गिरती रही, हमारे आगे पाछे फिरती रही, ओकर बड़ाई कितना करी हम, ओके बिन रही पाई एक घरी हम, रात भर हमार मेहरिया, रात भर हमार मेहरिया हमका जगा, मेहरिया के सुधे हमका बहुत जोर आवे, मेहरिया के सुधे हमका बहुत जोर आवे। ये अपना दिल का आवाज है, जो लोग रीवा सतना और ये सिंगरौली सीधी सा छोड़ के बाहर गए हैं, वो हमेशा यह गाना का, ये गाना तो नहीं याद करे लेकिन अपने घर के याद बहुत कर रहे थे, सही कर रहे थे। जब हम लंदन में स्विट्जरलैंड में पेड़ से कहा हुए, लेकिन जब माटी ऐसा ना है, यह माटी ऐसा ना है, बघेलखंड की माटी ऐसा नहीं, एक खुशबू और एक यहाँ पे लोग, यहाँ पे जो उन्हें कल्चर है वो के लिए लोग यहाँ पे आवा चाहते हैं और बहुत मिस कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाहे भोपाल में रहा है, इंदौर में रहा है, दिल्ली में रहा है, बम्बई में रहा है, या विश्व के कोना कोना में रहा है, और बताइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद है आपका विषय, नमस्कार, बस एमए के प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए जी हम कलाकार के ऊपर। हाँ सुधीर पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, और जो है हमारे भैया विजय जी आज जो है बहुत ही अच्छे समय पे आज मुलाकात हो गई, और हमें तो बहुत अच्छे समय में, या बीजे कोनो बना नहीं थी, कोनो विजय जी इतने अच्छे कलाकार हैं, हम तो इनसे आग्रह करेंगे कि हमारे मंच पे भी आकर के अपनी कला की प्रस्तुति दें। हम अपना अपने मंच पे बुलाना चाहते हैं, जरूर। भोपाल मून इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट है, जहाँ पे देखा हम मोबाइल नंबर बताएंगे, कभू अगर भोजपुरी प्रसिद्ध गायक सुधीर पांडे जी और कैश सुपर स्टार अविनाश तिवारी जी, कभू अपना का चाहिए प्रोग्राम चाहिए तो अपना 7566129036 में कांटेक्ट करी, मून इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट में अपना के सेवा के लिए हाजिर रहेगी। बहुत सही बहुत सही, जैसे आपने कहा ना कि आप मंच पे आइए, बिल्कुल ये मंच पे आते नहीं है, हम जैसे कलाकारों को मंच पे बुलाते हैं। बार, 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 बार। यही तो बहुत बड़ी बात है, आप लोगों के ही माध्यम से हम जैसे तुच्छ कलाकार अपने दर्शन रूपी भगवान से रूबरू होते हैं,
आप लोगों की डिमांड है, आप लोगों की फरमाइश है, आप लोगों के से दर्शक रूबरू होना चाहते हैं, यूट्यूब में बहुत देखा, अब सामने सामने देखना चाहते हैं और झूमना चाहते हैं। आप जैसे लोग ही बनते हैं। माध्यम है मूल इवेंट एंड एंटरटेनमेंट जो है वो माध्यम है, जिसका नंबर मैं दोहरा चुका हूँ 7566129036। अविनाश तिवारी जी के किसी भी कार्यक्रम के लिए आप संपर्क कर सकते हैं और अविनाश तिवारी जी सेवा के लिए हाजिर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। आप सब लोग भैया विजय जी की बातों पे, इंडिया ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रोग्राम देने का अविनाश तिवारी जी को हमने तैयार किया है और ये करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इनको खींच के लाएगा। दो लाइन में भैया विजय जी के लिए सुनाऊंगा कैसे। मून इवेंट इंटरटेनमेंट है भैया का वो, आप सब लोग इनका जो है सहयोग करें और जो है इनके निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं हमेशा और आगे भी करेंगे। इनके लिए दो शब्द मैं कहना चाहूंगा कि अरे जन जन के सेवक हम सब के मददगार, अच्छे बड़े सच्चे विजय भैया हमार, बड़े ही निराले हैं विजय भैया हमार, बड़े पैसा वाले विजय भैया, और इनके दर पे जो भी आए खाली हाथ वापस न जाए। इसको ऐसा भी कर सकते, इनके दर पे जो कोई आए क्या बात है बिने पैसा न वापस जाए। जय हो जय हो। इतनी बातों के साथ आइए भैया विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना मतलब ऐसा तुरंत मतलब कहते त्वरित रचना कर, बिल्कुल ये दिमाग में से चला भैया की कला देख करके मुझे दिमाग में आ गया है। ये मतलब हुनर है, ये जो टैलेंट है, ये टैलेंट जो ऐसा है कि आप बैठे बैठे गीत की रचना कर रहे हैं और उसमें आप